इस पाउडर को बनाने के लिए वैसे तो आप किसी भी वैरायटी का आम ले सकते हैं, लेकिन मैंने लंगड़े वाला आम लिए हैं। ये आम क्या है, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, इसकी वजह से इसका बहुत ही टेस्टी पाउडर बनता है। ये पूरे 2 किलो आम है। अब हमें जितने भी आम का पाउडर बनाना है उतने ले लेंगे। ये मैंने 3 आम ले लिए हैं। अब इनको चाकू की या फिर पीलर की हेल्प से छील लेंगे। इस पाउडर को बनाना बहुत ही आसान है। अगर इसके सूखने के टाइम को हटा लें तो इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से पूरा आम को छील लेंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। गुठलियों पर से पूरे पल्प को अच्छे से साफ कर लेंगे। ये मैंने पूरा आम को काट लिया है। अब इनको जार में डाल देंगे और इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इसको देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। अब कोई भी एक बाउल लेंगे, इसको बाउल में निकाल लेंगे। अभी मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है। आप इसमें शक्कर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब शक्कर को भी इसमें डाल देंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। शक्कर को इसमें मेल्ट नहीं करेंगे, बस इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। इनको देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके की कोई भी चौड़ी सी थाली या फिर प्लेट लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्स इन प्लेटों में डालेंगे। इनको प्लेटों में देखिए इस तरीके से फैलाएंगे। इनकी इस तरीके से पतली सी लेयर बना लेंगे। अगर इनकी मोटी लेयर बनाएंगे तो इनको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब इनको सूखने के लिए पंखे के नीचे या फिर धूप में रख देंगे। इनको पंखे के नीचे सूखने में करीब 4 से 5 दिन लगेंगे और धूप में ये 2 दिन में ही सूख जाएंगे। इनको बीच बीच में चला भी देंगे जिससे क्या है जल्दी सूख जाएंगे। इस मिक्स को मैंने 3 प्लेटों में डाल दिया है। अब मिलते हैं आपसे इनके सूखने के बाद। ये मिक्स भी देखिए सूख गया है। इसको धूप में सूखने में पूरे 2 दिन लगे हैं। अब इनको एक ही प्लेट में डाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके जार में डालेंगे और इसको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। अगर आपका जार बड़ा है तो आप इसको एक बार में ही पीस लें। अब इसको छन्नी से छान लेंगे। इसी तरीके से पूरे मिक्स को बारीक पीस लेंगे। ये मैंने पूरे मिक्स को पीस लिया है। इसमें से थोड़ा सा कचरा निकला है, इसको फेंक देंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। अब ये पाउडर बनकर रेडी है। आप इसको किसी भी स्टील के या फिर कांच के डब्बे में भर के रख दें। इसको आप आराम से साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन आप इसको जिस भी डब्बे में भर रहे हैं वो एकदम से सूखा होना चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा भी पानी होगा तो पाउडर जल्दी खराब हो सकता है। अब इसी प्रीमिक्स से मैं आपको मिल्क शेक और जूस बनाकर दिखाऊंगी। गिलासों में 2-2 चम्मच पाउडर डालेंगे। अब 1 गिलास में ठंडा दूध डालेंगे। अब 2 गिलास में ठंडा पानी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनमें अपनी पसंद के हिसाब से आइस डालेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आम डालेंगे। अब ये जूस और मिल्क शेक बनकर रेडी हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और अगर जरा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।